नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाजे अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, आज अल्मोड़ा ज़िले के चितई गोलू धाम आए हैं। गोलू धाम की बहुत दूर दूर तक महिमा है। यह कुमाऊँ क्षेत्र के कुल देवता हैं और यहाँ पे सभी आते हैं, सभी क्षेत्रों से लोग आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पे चिट्ठियाँ लगाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती तो घंटी बांधते हैं। यहाँ आप मंदिर में चारों तरफ देखेंगे, इस मंदिर में घंटियाँ चारों तरफ मौजूद मिलेंगी आपको। और यह मंदिर जो है बहुत ही पवित्र और न्याय का मंदिर है। यहाँ पे गोलू देवता न्याय करते हैं, न्याय के देवता हैं। और अभी हम यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं और आप यहाँ की महिमा के बारे में आपको बताएंगे। आइए पुजारी जी से बात करते हैं। आपने गोलू देवता जो यहाँ है इनकी महिमा के बारे में कब से हैं और ये यहाँ पे लोग आते हैं उनकी मनोकामना जो पूर्ण होती है, जो घंटियाँ मैंने देखा वो उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है, कत्यूरी वंश में राजा झालूराय थे, उनकी सात रानियाँ थी। तो सात रानियाँ, सब कुछ संपन्न परिवार के थे, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कमी थी केवल संतान की। सात रानियों से कोई भी जब संतान उत्पन्न नहीं हुई तो एक दिन एक साधु भेष में जो है ब्राह्मण देवता उनके घर में आए थे। उन्होंने बोला, नीलकंठ पर्वत पर माता कलिंगा है, आप उनसे, उनके साथ आपका विवाह होगा, फिर आपकी संतान उत्पन्न होगी। तो कुछ समय पश्चात जब उन माता कलिंगा से उनका विवाह हुआ तो उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसको सात रानियों ने गाय के तबेले में छुपा दिया और उनके स्थान पर माता कलिंगा के पास जो है एक सिलबट्टा रख दिया। उन्होंने, सात रानियों ने बोला कि आपकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है, ये सिलबट्टा उत्पन्न हुआ है। फिर उन्होंने उसको एक काठ के बक्से में, लकड़ी के बक्से में नदी में, काली नदी में बहा दिया। तो कुछ दूरी पर जो है एक मछुआरा था भाना नाम का, तो वो रोज जाल बिछाया करता था मछली पकड़ने के लिए, उसकी आजीविका मछली से होती थी। तो उस दिन उसने जब जाल खींचा तो उसको बहुत भारी महसूस हुआ। उसने कहा, आज बहुत बड़ी मछली फंस गई है तो मेरी आजीविका आज बड़ी अच्छी ढंग से हो जाएगी। तो जब उसने वो जाल को बाहर निकाला तो उसमें एक बक्सा, तो उसने बक्सा खोला तो उसमें एक बालक। अब आश्चर्य की बात यह है कि उसकी भी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत पुत्र को देख करके बहुत खुश हुआ। जब उसने पुत्र का लालन पालन किया तो करीब बाल्यावस्था में उन्होंने जिद करी कि मेरे लिए एक घोड़ा ला दो। तो बेचारा मछुआरा कहाँ से घोड़ा लाता, तो उन्होंने उनके लिए काठ का घोड़ा बना दिया। आपके सामने भी ये है, ये काठ का घोड़ा। काठ का घोड़ा जब बनाया तो इस्तेफाक से एक दिन वो वहीं चले गए जहाँ उनकी सातों रानियाँ पानी भर रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप हटिए यहाँ से, मेरे घोड़े को बहुत प्यास लगी है, इसको आप पानी पीने दीजिए। तो वो हंसने लगी सब, उन्होंने कहा कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है। तो उन्होंने कहा कि जब किसी स्त्री के कोख से सिलबट्टा उत्पन्न हो सकता है तो काठ का घोड़ा भी पानी पिएगा। तो वो समझ गई कि मतलब ये जो है कहीं वो वही पुत्र तो नहीं है। तो उस समय फिर उनके पिताजी भी वहीं पर आ गए। उन्होंने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, ऐसी ऐसी बात है। तो उनके पिताजी ने उन सातों रानियों को फांसी देने का आदेश दिया। तो ये तो न्याय के देवता थे, गोलू देवता। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, फांसी यहाँ से कुछ मत दो, इनको, इनकी सज़ा माफ़ कर दो। फिर चंपावत डिस्ट्रिक्ट से गोलू देवता यहाँ चितई धाम पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है यहाँ पर जनता दरबार लगता था। जनता दरबार के बाद जो है लोगों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होने लगी, लोगों को न्याय मिलने लगा। लोग अपनी अपनी श्रद्धा से घंटा प्रसाद जो भी है भंडारा इत्यादि यहाँ पर करने लगे। और ये जो है हमारे कुमाऊँ देवता, कुमाऊँ क्षेत्र के कुल देवता के रूप में भी माने जाते हैं गोलू देवता। अपितु अब पूरा संसार और पूरा विश्व, पूरा भारत देश इनको मानता है और लोगों की, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे कि आप श्रद्धालुओं से भी पूछ सकते हैं, वो खुद आए हुए हैं यहाँ पर। यही गोलू देवता की महिमा है।
Thank you.
रुकोगे? Thank you.